हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है एग चाउमीन। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चाउमीन लिए हैं, ये दो प्याज कट किए हैं हमने, ये दो टमाटर है, ये चार पीस हरी मिर्च, ये थोड़े से अदरक है, ये देखिए हमने अंडे लिए हैं चार पीस, ये सोया सॉस, ये टमाटर केचप, ये चिल्ली सॉस। फिर इसके बाद हम भगोने में पानी रखे हैं, पानी मेरा गर्म हो चुका था, उसी में हम चाउमीन तोड़ के डाल दिए। अब इसको हम पकाएंगे और बीच बीच में हमको चेक कर लेना है कि चाउमीन हुआ कि नहीं। देखिए मेरा चाउमीन हो चुका था, इसीलिए हम इसको प्लेट में अब निकालेंगे। फिर हमने कढ़ाई गैस पर रख के इसमें हमने 3 चम्मच तेल डाल दिए हैं। अब हम अदरक डालेंगे, हरी मिर्च, ये सब डाल के फिर हम प्याज भी डाल देंगे। देखिए हमने प्याज भी डाल दिया। अब सब हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। जब प्याज मेरा ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम टमाटर भी डालेंगे। देखिए अब हम टमाटर भी डाल रहे हैं भूनने के लिए। ये हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, ये लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हमने ये नमक डाले हैं स्वाद के अनुसार, ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। इस सब को हम डाल के अच्छे तरीके से चलाएंगे। ये एग है, हमने कटोरी में तोड़ के ले लिए थे, वही हम डाल रहे हैं और हम फिर मिक्स करेंगे इसको। फिर इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये देखिए हम, ये मेरा पक चुका है, ये हम चिली सॉस डाल रहे हैं, हमने 2 चम्मच के करीब चिली सॉस डाले, ये टमाटर सॉस है इसको भी हम डाल देंगे 2 चम्मच, ये सोया सॉस है इसको भी हम डाल देंगे और फिर हम पकाएंगे। ये देखिए तैयार हो चुका है। फिर हम जो चाउमीन लिए थे वो भी डालेंगे। हमें इसे अच्छे तरीके से मिलाना है ताकि एक चाउमीन में जो भी हम मसाला डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हमने कांटे वाले चम्मच का भी इस्तेमाल किया है, उससे भी हमने मिलाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक चाउमीन की रेसिपी मेरी तैयार हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।